मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो आप एक्सरसाइज करके ठीक हो सकते हो, और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट है, और कौन से पॉइंट है जो आप मेडिकली फिट पॉइंट है, उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे SSC GD हो, चाहे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, अग्निवीर, या अभी आपका जो मेडिकल चल रहा है CRPF टेक्निकल ट्रेड्समैन या फिर SSB ट्रेड्समैन, किसी भी प्रकार का अगर मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या क्या चेक होता है मेडिकल के अंदर वो भी हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मेडिकल में आप ऐसी गलती नहीं करना, वरना अगर आप मेडिकल में बाहर हो जाओगे तो देखिए दोस्तों कंप्लीट डिटेल से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि विटिलिगो बना हुआ है। तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर विटिलिगो है तो वो डायरेक्ट आपको अनफिट कर दिया जाओगे, क्योंकि विटिलिगो है उसका क्या ट्रीटमेंट है, अगर आपका जो छोटा पैचेज है विटिलिगो का, अगर छोटा पैचेज है तो वहां पर क्या है कि आपका जो स्किन कलर है उसके हिसाब से क्या है कि पेंट करके आप मेडिकली फिट हो सकते हो, यानी उसको हिडन करके आप फिट हो सकते हो। अगर आपका बड़ा पैचेज है तो वहां पर क्या है कि आपको दिक्कत हो सकता है। तो ऐसी आपको क्या है कि अगर विटिलिगो है तो वहां पर आपका पेंट करके और मेडिकली फिट हो सकते हो, परंतु अगर आपका बड़ा पैचेज है तो वहां पर क्या है कि आपको ट्रीटमेंट लेकर ही मेडिकल में आप जाना है दोस्तों, वरना आप हो जाओगे मेडिकली अनफिट। ये एक मेडिकल अनफिट पॉइंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये देखिए दोस्तों, गायनोगोनेस्टिया, ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि गायनोगोनेस्टिया का पॉइंट बना हुआ है। तो अगर आपका फर्स्ट ग्रेड का अगर गायनोगोनेस्टिया है तो उसको क्या है कि आप पुशअप लगाकर काफी हद तक है ना उसको ठीक कर सकते हो, परंतु अगर आपका सेकेंड या फिर आपका थर्ड ग्रेड का अगर गायनोगोनेस्टिया है तो वहां पर क्या है कि आपको मेडिकली डायरेक्ट अनफिट कर दिया जाओगे। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट है यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाकर जो आपका सर्जरी है वो किया जाता है, और आपका जो सभी सर्जरी है बॉडी ओपनिंग सर्जरी है वो 6 मंथ पुराना सर्जरी क्या है कि फिट हो जाता है। तो आपको अगर गायनोगोनेस्ट या फर्स्ट ग्रेड का है तो आप क्या है कि एक्सरसाइज करके भी फिट हो सकते हो, अन्यथा आप सर्जरी करवा कर मेडिकल में फिट हो सकते हो। नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि ये हाथ है जो बर्न मार्क बना हुआ है, यानी कि इनका जो बचपन में ही है वो हाथ पूरी तरीके से यहाँ तक है वो पूरी तरीके से जल गया था, और जिनके जलने के कारण क्या है कि पसीने की ग्रंथि है वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। तो इस हालत में क्या है कि दूसरा इनका जो है ये सलूटिंग हैंड है, तो यहाँ पर क्या है कि इनको क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है दोस्तों। ये क्या है कि जो आपके पसीने की ग्रंथि है वो जल गई है, तो वहां पर क्या है कि इनको दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपका पसीने की ग्रंथि जीवित है तो वो क्या है कि आप फिट हो जाओगे, लेकिन अगर पसीने की ग्रंथि है वहां पर आपकी नष्ट हो चुकी है तो वहां पर क्या है कि आपको मेडिकल में दिक्कत हो सकती है। अब नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बॉडी ओपनिंग सर्जरी का मार्क अभी तक बचा हुआ है, और इनका जो सर्जरी है वो लगभग है 2 से 3 साल पुराना ये सर्जरी है। तो देखिए दोस्तों, बॉडी ओपनिंग सर्जरी है वो 6 मंथ पुराना सर्जरी है, वो आपका फिट हो जाता है जनरली, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 6 मंथ पुराना अगर सर्जरी हुआ है तो आप वहां पर क्या है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप दिखा सकते हो कि मेरा इतना पुराना सर्जरी है और मेरे ये इस चीज का ये सर्जरी हुआ था, तो आप मेडिकल के समय है वो डॉक्यूमेंट्स भी आप दिखा सकते हो, और 6 मंथ पुराना हो तो ही आपको क्या है कि डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, अन्यथा आपको क्या है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाना। अब ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि डाउट है कि इनके जो दांतों में है वो प्रॉब्लम है क्या, तो मैं बता दूं दोस्तों, जो जनरली आपका डेंटल पॉइंट होता है यानी फिट होने के लिए वो डेंटल पॉइंट चाहिए वो 14 डेंटल पॉइंट चाहिए, और जो आपके टोटल डेंटल पॉइंट होते हैं वो 22 डेंटल पॉइंट होते हैं। तो दूसरी बात है कि जो आपके जो दांतों का कैची का फलक बन रहा है, यानी कि दोनों दांत अगर आपके जो ऊपर नीचे टच हो रहे हैं तो ही आपको उस दांत का क्या है कि पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार के देखा जाए तो इनका क्या है कि नॉर्मली है वो जनरली फिट हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो 14+ क्या है कि डेंटल पॉइंट बन रहा है तो ये जनरली फिट हो जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का इनको पॉइंट नहीं मिलने वाला है। और ये देखिए दोस्तों, लिपोमा, यानी कि अगर ये लिपोमा है तो जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे, परंतु अगर इनके लिपोमा न होकर यहाँ पर किसी प्रकार का गांठ बना हुआ है तो इनको क्या है कि दिक्कत हो सकता है। तो इसका इलाज क्या है, तो छोटा सा एक कट लगाकर इसको क्या है कि रिमूव कर दिया जाता है, और क्या है कि वो लगभग देखा जाए तो 20 से 25 दिन के अंदर है वो पूरी तरीके से घाव पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। वो तो आपको इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको क्या है कि सर्जरी करवा लेना है, और अगर आपके लिपोमा बना हुआ है तो लिपोमा जनरली क्या है कि फिट हो जाता है, वहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं होती। ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर
कैरी एंगल की प्रॉब्लम है, यानी कि जो इनका कैरी एंगल है वो क्या है कि यहाँ पर 15 डिग्री से भी ज़्यादा है, यानी कि इनका जो लगभग देखा जाए तो कैरी एंगल है 18 से 20 डिग्री तक इनका कैरी एंगल लग रहा है पिक के अनुसार। तो मैं बता दूँ दोस्तों, जो पिछली बार SSGD में है ना, तो आपका 10 से 20 डिग्री तक आपका कैरी एंगल फिट कर दिया गया था। तो अधिकतर आप क्या है कि कोशिश करोगे आपका जो कैरी एंगल है वो 10 से 15 डिग्री तक मध्य आपका रहे। अगर आप फिजिकल के साथ या साथ अगर आप इसकी एक्सरसाइज भी शुरू कर देते हो तो इसका जो कैरी एंगल है वो 15 डिग्री तक पहुंच जाएगा और आपको है कि किसी भी प्रकार का मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं जल्दी आपके कैरी एंगल का क्या है कि एक्सरसाइज का वीडियो जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, 1-2 दिन के अंदर आपको कैरी एंगल का है वो आपको वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट्स के क्या है कि वेट चार्ट के अनुसार क्या है कि वेट नहीं होता है और वो क्या है कि मेडिकल में चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि आपको डायरेक्ट अनफिट कर दिया जाता है। वेट चार्ट के अनुसार आप ना +5 और -5 आप अपना वेट है वो कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर जनरली हम देखा जाए तो कैंडिडेट की जो हाइट होती है वो 172 के होती है और जो नॉर्मली जो एज देखा जाता है तो 23 से 27 तक एज देखा जाता है। तो 23 से 27 वाले एज और 172 हाइट है जिनकी, तो उनके कितना वेट होना चाहिए, तो उनका वेट होना चाहिए 55.5 से 67.5 होना चाहिए। यहाँ पर आप +5 और -5 भी कर सकते हो। और बात करते हैं कि अगर आपका 173 हाइट है तो वो किस में नापा जाएगा, वो नापा जाएगा आपका 174 वाले हाइट में मापा जाएगा, यानी कि आपका 174 वाले में देखा जाए तो 57 से आपका कितना होना चाहिए, 70 वेट होना चाहिए। और आप इसमें +5 और -5 भी इसमें कर सकते हो। और काफ़ी कैंडिडेट का ये एक डाउट रहता है कि जो आपका मेडिकल के समय आपका वेट मापा जाता है या फिर आपका फिजिकल के समय मापा जाता है, तो मैं बता दूं दोस्तों आपका फिजिकल के समय भी वेट मापा जाता है, परंतु वहां पर आपको अनफिट नहीं किया जाता, वहां पर आपको बता देते हैं कि अंडर वेट हो या फिर आप ओवर वेट हो। और आपका जो मेडिकल के समय है, वहां पर आपका क्या है कि वेट चार्ट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। अगर उस टाइम पर अगर आपका वेट ओवर वेट है या फिर अंडर वेट है, तो वहां पर क्या है कि आपको डायरेक्ट अनफिट कर देते हैं। अभी CRPF का मेडिकल चल रहा है, उसमें कैंडिडेट काफी वेट के कारण क्या है कि छट रहे हैं, तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। लगभग देखा जाए तो एक सेंटर पर मान लो 40 कैंडिडेट्स का मेडिकल हो रहा है, तो वहां पर क्या है कि 10 कैंडिडेट ही है वो पास हो रहे हैं और 30 कैंडिडेट को क्या है कि फेल हो रहे हैं कैंडिडेट। तो वो क्या है कि छोटी छोटी गलतियों के कारण है कि फेल हो रहे हैं, तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। ये फीमेल कैंडिडेट का वेट चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी हाइट के अनुसार क्या है कि अपना वेट है वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर चोट लगने के कारण मार्क बना हुआ है, ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलने वाला, यानी कि ये फिट पॉइंट है, इसमें कोई प्रकार का पॉइंट नहीं मिलेगा। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर चोट लगने के कारण यहाँ पर तो आपका गाल है वहाँ पर क्या है कि इस प्रकार का निशान बना हुआ है, तो ये क्या है कि जनरली फिट पॉइंट है, इसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलेगा। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि ये पूछ रहे थे कि इनका जो चेस्ट बैलेंस है वो ठीक है, तो मैं बताऊँ दोस्तों इसमें चेस्ट है वो पूरी तरीके से फिट है, किसी भी प्रकार का पॉइंट नहीं है, ना तो इनके गायनोगोनेस्ट है और ना ही इनका जो चेस्ट है अनबैलेंस है, ये नॉर्मली फिट हो जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलने वाला। और ये कैंडिडेट है जिनको क्या है कि हाइपर है वो क्या है कि यहाँ पर चोट लगा है, तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे, किसी प्रकार का केलोइड भी नहीं बना हुआ है और किसी भी प्रकार का यहाँ पर है वो मेडिकली अनफिट पॉइंट नहीं है, ये मेडिकली फिट पॉइंट है, किसी प्रकार का आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, ये फिट पॉइंट है। अगर यहाँ पर केलोइड बन जाता तो आपको क्या है कि उसको लेजर द्वारा ट्रीटमेंट करके ही मेडिकल में जाना चाहिए था, परंतु यहाँ पर केलोइड नहीं बना है, ये नॉर्मली फिट हो जाएगा। और ये कैंडिडेट है कि जिनको चोट लगने के कारण क्या है कि यहाँ पर टाके आए थे, तो टाके है वो जनरली क्या है कि आपके फिट हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो घाव है वो पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है। अगर पूरी तरीके से घाव नहीं भरता तो आपको क्या है कि मेडिकली पॉइंट मिलता है, यहाँ पर क्या है कि घाव पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो ये जनरली क्या है कि फिट पॉइंट है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का घबराने की जरूरत नहीं है। ये थे कुछ आपके मेडिकल से संबंधित कुछ पॉइंट। अगर आपके कुछ मेडिकल से संबंधित डाउट है तो इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। कम से कम आप इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।